नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उपचुनाव के बाद अब सभी दलों का फोकस निकाय चुनाव पर है। हालांकि अभी तक निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर सरकार ने आरक्षण लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद सियासी दल अपनी अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव में वैसे तो छोटे बड़े सभी दल ताल ठोकेंगे, लेकिन असली मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है। निकाय में जीत के लिए बीजेपी ने प्लान भी तैयार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि 13 दिसंबर के बाद सीएम योगी बड़े बड़े शहरों में रोड शो करेंगे। उधर बीजेपी की रणनीति को टक्कर देने के लिए सपा खेमा भी तैयार है। निकाय को लेकर कल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की बैठक होनी है, जिसमें सपा की रणनीति पर चर्चा होगी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे कि शहर में किसकी लहर। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में अगले महीने होने वाले निकाय चुनावों में भगवा खेमे के सामाजिक समीकरण फेल ना होने पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सियासी तरकश नए सिरे से तराशने में जुट गए हैं, ताकि निकाय चुनाव में विपक्षी दलों के हमलों की धार को कुंद किया जा सके। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बैठकों का दौर जारी है। जीत की पुख्ता रणनीति बनाई जा रही है। रविवार को राजधानी लखनऊ में सुबह से शाम तक बैठकों का सिलसिला चला। सीएम आवास पर भी सीएम योगी की अध्यक्षता में पार्टी की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर चुनावी रणनीति तक पर मंथन किया गया। वहीं अब निकाय चुनाव को लेकर खुद सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी बड़े शहरों में रोड शो करेंगे। 13 दिसंबर के बाद बड़े शहरों में होगा सीएम योगी का रोड शो। रोड शो के अलावा सीएम योगी बड़ी जनसभाएं भी करेंगे। सीएम योगी का अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन कल मथुरा में होगा। सीएम योगी के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्रियों और मंत्री भी चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत और सभा सदों की एक एक सीट को जीतने को लेकर मजबूत रणनीति बना रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, और कीर्ति निधि पांडे जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर किस दल की कितनी तैयारी है उस पर डाल लेते हैं। किसकी कितनी तैयारी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की कितनी तैयारी वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम रोड शो करेंगे क्षेत्रवार, और क्षेत्रवार रणनीति तैयार करेगी सपा। इसके बाद जिताऊ प्रत्याशियों को ही टिकट दिया जाएगा। जिलेवार प्रभारी बनाए जाएंगे, ये सपा की तरफ से कहा जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिलने वालों को मौका दिया जाएगा। विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी, और कल शिवपाल और अखिलेश यादव की अहम बैठक होने जा रही है। तो किसकी कितनी तैयारी है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कौन कितना तैयार दिखाई दे रहा है और किस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सवाल क्या है वो हम आपको बताते हैं। आखिर सवाल क्या है, 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, किसकी लहर है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यूपी में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार क्या ये, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। उपचुनाव के नतीजों का असर निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा क्या, सवाल है। शिवपाल यादव को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अब चूंकि चाचा शिवपाल एक साथ आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के परिवार एक हो गया है, तो अब चाचा शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।